नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, मैंने घर के वेस्ट मटेरियल से, किचन की वेस्ट मटेरियल से एक खाद बनाई है, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने उसे 5 से 7 दिन से भिगो के रखा हुआ था। जितनी भी किचन से सब्जियाँ निकलती थी वो सब मैंने रखी है, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो मैंने उसको मैंने गला दिया है पानी के अंदर, और अब मैं उसका लिक्विड छान कर पानी में मिला के किस प्रकार देती हूँ उसको आपको दिखाना चाहती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आधी बकेट पानी लिया है, और घर के छिलके, सब्जियों के छिलके, धनिया, जो मेरा वेस्टेज सामान था, कीरा, अदरक, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके और सब्जियों के छिलके, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको सड़ने के लिए रख दिया 3 से 4 दिन के लिए। जब इसका अर्क निकल जाएगा, सारी सब्जियों का गलान हो जाए, गल जाएंगी, तब इसके अंदर और पानी डाल के, जैसे आधी बाल्टी है तो आधी बाल्टी और पानी डाल के छान के मैं सभी प्लांट में दूंगी। एक बेस्ट खाद के रूप में तैयार हो जाएगा फर्टिलाइजर लिक्विड, जिससे मेरे पौधों में फूल और फल दोनों चीज़ें आएंगी, और ये बहुत अच्छा है, इसे किसी भी प्लांट में दे सकते हो। और ये इतना अच्छा है ना, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ों की कमी को दूर करता है, पौधे की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और ये एक तरीके से ठंडी खाद भी है। इसके अंदर खीरे के छिलके, लौकी के छिलके, सारी चीज़ें हैं, और इसमें मैंने आंवले भी डाल दिए, जो मेरे आंवले खराब हो गए थे, खीरा खराब था, जो भी आपकी वेस्टेज है फेंकने की जरूरत नहीं, आप उसे लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हो और अपने पौधों में दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार होता है लिक्विड वाला, और आप इसे इजली से किसी भी प्लांट में दे सकते हो। इसको छन्ने से छानना है, उतने ही उसे अधिक मात्रा में पानी मिलाना, जैसे आपने एक मग ये लिया है तो उसमें 4 मग पानी मिलाए, और उसको मिलाकर पौधों में दें, डायरेक्ट ना दें, डायरेक्ट देने से इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी फर्टिलाइजर की, इसलिए इसके अंदर पानी मिलाना ज़रूरी है। इसी पानी से मैं 2 बकेट पानी मिलाकर फर्स्ट क्लास खाद लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको दोस्तों हमेशा ढक के रखना ताकि इसके अंदर मच्छर पैदा ना हो जाएं। इसका इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान देना, और इसे बच्चों से दूर रखना, और इसे ढक के रखना है, तभी ये इसका फायदा होगा। हो सकता है आपके आसपास धूप हो आ रही हो तो धूप में रख सकते हो, नहीं तो छाया में भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे ढक के रखना है। मैंने इस बाल्टी को इस ढक्कन की सहायता से ढक के रख रही हूँ ताकि इसके अंदर मच्छर पैदा ना हो। दोस्तों देखो, मैंने ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है। मैंने इसे 5 से 7 दिन के लिए भिगो के रखा था। इसके अंदर मैंने हरी सब्जियां, लहसुन अदरक के छिलके, धनिया, और ये देखो संतरा, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, प्याज के छिलके, सभी तरीके के छिलके मैंने इसमें डाले हैं, खीरे के, घीये के, और गाजर, जो भी किचन से वेस्ट निकला है मैंने इसके अंदर वो डाला है, ताकि हमारी खाद अच्छी बने, लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छा बने, पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इससे फल फूल सारी चीज़ें आती है, और पौधों की, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और फूल बहुत अच्छे आते हैं। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाली हैं जो पौधे की नीड है, और मैं कोई भी केमिकल ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है लियो पैट जो मिट्टी खा लेता है, इस करके मैं सब्जियों से ही बनाती हूँ, और ये ठंडी खाद है, एक तरीके से ठंडा है, इसे वो गर्मी में भी डाल सकते हैं आप इसको, और इस टाइम में भी डाल सकते हो। अब तो मौसम बदल रहा है तो मैंने इसलिए ये बना दिया है, क्योंकि किचन से बहुत सारी सब्जियां निकलती हैं, छिलके वगैरह। और इसके अंदर ना मैंने पालक का पानी भी डाला है, जब मैंने पालक को धोया था तो जो पानी बार बार निकल रहा था तो वो मैंने इसमें डाला है, और आलू के छिलके भी डाले हैं, उससे पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम, आयरन, सभी चीज़ है, सब गुण है ये, और आप इसको इजली से आप सारे प्लांट में अपने दे सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार देती हूँ, चलो तो स्टार्ट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट एंड फॉल मैं क्या करूँगी, ये खाली बकेट लिया है मैंने, ये देखो, और ये लिया है स्टेनर, मतलब पुरानी छन्नी है मेरे पास, इससे मैं इसको छानूंगी। लियो हट जाओ, लियो हटो, इस प्रकार से छाना जाएगा, लियो जाओ यहाँ से, जो इसका वेस्ट निकलेगा उसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो, इसमें से कोई भी बदबू नहीं आ रही, लियो मान जाओ, लियो लियो, सोच रहे हैं इससे सब्जियों की खुशबू आ रही है कि खाने की चीज है, लियो मान जाओ, लियो नो,
ये देखो इसको डायरेक्ट नहीं देना है, इसके अंदर पानी मिला के ही दिया जाएगा। इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं, छिलके हैं और ऐसी चीजें हैं जिससे कीड़े नहीं होते। ये देखो कितनी इजली से ये छन रहा है। लियो मानो, नहीं आपके खाने की चीज नहीं है, नो लियो गंदी बात। ये देखो कितनी आसानी से छन रहा है। ये छन्नी भी 20-30 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, मेरे पास पुरानी पड़ी थी, मैं इसका प्रयोग हर बार करती हूँ और गर्मियों में खासतौर से मैं यही खाद देती हूँ। इससे मेरे फूल बहुत अच्छे आते हैं, नींबू के पेड़ में भी डालती हूँ, सभी प्लांट में डाल देती हूँ मैं। लियो बहुत शैतान है ये, इसी नो लियो गंदी बात, नो नो गंदी बात लियो, नो ऐसे नहीं करते। हट, खुशबू आ रही है लहसुन प्याज की, तो ये सोच रहे खाने की चीज है। नो लियो नो, इसके अंदर टमाटर के छिलके, टमाटर जो भी आपकी कोई भी सब्जी वेस्ट में नहीं जाएगी, सब प्रयोग में आ जाएगी, मेरे तरीके से आप यूज करोगे। इसमें देखो फ्रेंड हरी मिर्ची भी है, हर तरीके से उससे ना फंगीसाइड कहते हैं ना, कीड़े मकोड़े वो भी नहीं लगेंगे। आप इसको डालने के बाद हल्दी भी डाल सकते हो इसके अंदर, बट मैंने नहीं डाली, मैं वैसे ही हल्दी डालती रहती हूँ पानी में घोल घोल के, ताकि चींटियां ना लगे, कोई इन्फेक्शन ना हो पौधे में, तो मैं धीरे धीरे डालती रहती हूँ। इसके अंदर खीरे के छिलके हैं भाई, सब कुछ है, इसे मैं दोबारा भी यूज कर सकती हूँ। ये देखो फ्रेंड मैंने इसके अंदर कितना पानी लिया है, अब मैं इसके अंदर सादा पानी इतना ही मिलाऊंगी। मेरा कितना अच्छा पानी तैयार हो गया है, लिक्विड फर्टिलाइजर, और बहुत बढ़िया है ये, पौधे के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए इसके अंदर सब कुछ है जो उन्हें जरूरत है पौधों को। अब मैं इसे प्लांट में डाल के आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड ये मेरा गेंदे का पौधा है, इसमें बहुत सारे गेंदे के हैं, इसमें कली भी आ रखी है ये देखो, और इसके अंदर मैं लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी। ये मैंने बीज से फूलों से ग्रो किया है, मैंने फूल डाले थे और उनसे ये प्लांट निकले हैं। अब ये देखो इसमें मैं एक मग ये डाल रही हूँ। हर पौधे के अंदर एक मग ही डालना है, किसी किसी में आधा मग भी चलेगा, वो पौधे के अकॉर्डिंग है, छोटा या बड़े के अकॉर्डिंग। ये देखो इसमें मैंने डाल दिया है, अब मैं नेक्स्ट में डाल के दिखाती हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स ये है मेरा गुलाब का प्लांट, तो मैं इसमें डाल रही हूँ खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर। ये देखो पूरा एक मग डाला है इसमें, ये देखो, और इसके ऊपर ये देखो कली आ रही है, ये देखो रेड कलर की कली आ रही है, कितनी सुंदर। पूरा एक मग डाला है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये सदाबहार का है रेड कलर, इसके अंदर भी मैंने डाल दिया है। और ये देखो पेटूनिया कितने खूबसूरत है, ये देखो गजानिया और ये पिंक, अब इन सब में मैं डालूंगी। और ये देखो इसके अंदर भी ये गया लिक्विड फर्टिलाइजर, इसके अंदर कितने फ्लावर आ रखे हैं, ये देखो कितने फ्लावर आ रखे हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। लो भाई इसमें कम डलेगा क्योंकि सारा नीचे गिर जाएगा, छोटे गमले हैं। इसमें गजानिया देखो तीन, दोपहर में पूरे खुले खुले हुए थे, अभी बंद हो गए हैं। ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, और कितना प्यारा कलर है। इसमें भी मैंने आधा मग डाला है, और ये देखो पिटूनिया कितना खूबसूरत है और कितनी सारी कली है, इसके अंदर भी मैंने आधा मग डाला है। ये इसमें भी जाएगा, इसमें एक मग जाएगा, इसमें भी और थोड़ा जाएगा, इसमें जाएगा क्लोविया में और मोरपंखी में। ये एरिका पॉम है, मैं एरिका पॉम में एक मग डाल रही हूँ। ये देखो कितना सुंदर मेरा एरिका पॉम है, दूसरी में भी एक मग,
स्नेक प्लांट में भी एक मग, सभी के अंदर डालना है। देखो फ्रेंड कितना प्यारा मेरा पेटूनिया हो रखा है, मैं इसमें यही डालती हूँ, इसकी वजह से आधा मग बहुत है। और इसके अंदर भी डाला मैंने, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो गजानिया में कितनी कली आ रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड गजानिया के अंदर एक दो और नीचे तीन चार, चार कली आ रखी है। ये मैंने 10 रुपए की पौध लगाई थी और दो मैंने एक साथ लगाए थे, मैंने वीडियो में डाला था पहले। ये देखो ये बड़े हो गए और फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये देखो ये भी दो मैंने लगाए थे, 10-10 रुपीज की पौध लाई थी, ये दोपहर में बहुत ही सुंदर खिला हुआ था। अभी शाम हो रही है तो ये बंद हो रहे हैं, सुबह में फिर खुल जाएंगे कली। ये दो है अलग अलग मैंने एक साथ लगाए हैं, इसमें भी देखो तीन है, ये खुला था सुबह में अभी बंद हो गया पर्पल। और ये देखो कितना प्यारा फूल खिला है, ये धूप जब ठंड थी तो ये खुल नहीं रहे थे, खिल नहीं पा रहे थे, अब ठंड खत्म हो गई, धूप आ गई और लिक्विड फर्टिलाइजर के कारण ये फिर से खिलने शुरू हो गए। और मैं आपको ये वाला दिखा, इसके अंदर कितने फ्लावर आ रहे हैं और कितनी सारी कली आ रही है। देखो पेटूनिया, ये मेरे पेटूनिया मई जून तक खूब फ्लावरिंग करेंगी। और ये देखो ये भी कितनी खूबसूरत हो रखे हैं, ये बस थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत है और कुछ नहीं। इसे बोलते हैं लक्ष्मी कमल। और देखो ये कितना बड़ा हो गया, मैंने बिल्कुल छोटा सा लगाया था ये छोटू सा लास्ट ईयर, और इसके अंदर बेबी प्लांट आ रखे हैं देखो कितने सारे। और इस पर भी मैं वो लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ, कोकोपीट थोड़ी बहुत डाल देती हूँ, कोई खास खाद नहीं डालती, वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और इसी से ये ग्रोथ करते हैं। अब धूप तेज हो जाएगी तो मैं नेट लगाऊंगी यहाँ पे और ऊपर कवर कर देंगे मेरे हस्बैंड, फिर नेट की सहायता से कोई भी पौधा जलेगा और सूखेगा नहीं। और मैं नेक्स्ट आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो ये है विष्णु कमल, और इसके भी ना बेबी प्लांट आ रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो विष्णु कमल और इसके बीच में नीचे देखो बेबी प्लांट आ रहे हैं। ये लियो ने एक दिन मेरा गमला नीचे गिरा दिया था, भाग रहा था, शैतानी कर रहा था, तो फिर इसकी मिट्टी कम हो गई, मैं अभी इसमें डालूंगी। ये है कुबेर का खजाना जो मेरे घर में भी है, और इसने भी मुझे बेबी प्लांट दिया है एक छोटा जो मैंने सेपरेट किया है अभी। तो बेबी प्लांट छोटा सा मैंने इसमें लगाया है और नॉर्मल मिट्टी में ही हो गया, ये वर्मी कंपोस्ट डाल के, मेरे को लगा था होगा नहीं बट हो गया। थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसे सेपरेट करूंगी किसी अच्छे उसमें, तो इसकी मिट्टी भी थोड़ी चेंज कर दूंगी फिर। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसमें ही लगाया है। देखो फ्रेंड्स सबके अंदर मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है। दोस्तों कभी भी लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम हरी सब्जियां डालते हैं छिलके, तो उसमें कभी भी पका हुआ फूड नहीं डालना, कोई भी पकी हुई सब्जी या पके हुए चावल कुछ नहीं डालना। अब कच्चे चावल, जो चावल आप धो रहे हो उसका पानी डाल सकते हो, और कच्ची सब्जियां डाल सकते हो, जो छिलका होता है सब्जियों का धोया हुआ पानी, साबुत सब्जियों का, छिलकों का, कभी भी पका हुआ मत डालना, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप मेरी तरह से डालोगे कच्ची सब्जियों के छिलके, जो भी आपके निकलते सभी को आप इकट्ठा कर लो, रोज निकलते हैं सुबह शाम, उनको बाल्टी में डालते रहो, जब आपके बहुत सारे हो जाएं तो उसमें पानी डाल दो 8-10 मग्गे और उसको ढक दो, फिर उसके 5-6 दिन के बाद आप उसको एक आध बार हाथ पे घुमा दो, उसके बाद आप छान कर उसे यूज़ कीजिए। उसके अंदर डबल पानी डालिए और सभी प्लांट में एक एक मग डाल के, एक एक मग डाल दीजिए, जो छोटे प्लांट है उसमें आधा मग डालिए, आपके पौधे में फूल भी आएंगे फल भी आएंगे। यदि आपको मेरी टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।